ये जो कल जो हादसा हुआ है, ये कौन थे आपके, कहां से आ रहे? लड़के हैं साहब, नेपाल से मट्टी देकर आ उतरे हैं। अच्छा, नेपाल से वो लोग आ रहे थे। हाँ साहब। और कब आप लोगों को पता चला, कैसे क्या हुआ? अब शाम में बात दिन भर बात होते रहा दोपहर से कि आ रहे हो कि नहीं आओ। हाँ आए थे। शाम 5 बजे लास्ट बात भवा है। उसके बाद में फिर संपर्क टूट गया, बात नहीं हुआ। 1 घंटा इंतजार करे, वो बात भवा तो कहा बिगुआ नाले पर हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर फोन नहीं पकड़ गए। 1 घंटा इंतजार किए, फिर बाहर से लोग आए। उसके बाद में पता चला कि गाड़ी पलटी हो गई, टेम्पू या बैटरी वाला रिक्शा। तो हम दो परानी भागा झकहियाँ तक गए पानी में हल्के, वहाँ खड़े 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े रहे, कुछ पता नहीं चला। हल्ला तो हो गए कि अच्छा, वो जो जिस रिक्शे पे वो आ रहे थे वो किसका रिक्शा था? वो रिक्शा साइकिल रिक्शा रहा, वो भाड़े पे चलावत रहे बढ़नी का। मतलब वो उन्हीं का रिक्शा था और उन्हीं का परिवार था। हाँ, कितने लोग थे? एक तो उनका औरत रहे और 2 बच्चे रहे। तो आप लोगों को ये कब पता चला, मतलब कितने रात में पता चला कि अब ऐसा मतलब हो चुका है और वो डूब चुके हैं? शाम में 6 बजे हल्ला हुआ, बाहर से लोग देख तमाशगीर जुटे रहे, बाहर से पता चला गाड़ी पलटी हो गई, टेम्पू पलटी हो गई, कोई बैटरी वाला रिक्शा पलटी हो गई। हम लोग वही चक्कर में, और वो अगल बगल गांव वाले देखें तो पता चला, इधर उधर का सब फोन करके बताएं कि वो पचपड़वा के रिक्शा वाला है और है ऐसा। तो फिर हम लोग मतलब तो फिर संपर्क नहीं, पता तो चला नहीं कि कहाँ गए क्या है, कुछ नहीं पता चला। वो जब वो लेके निकला है वहाँ से, रिक्शा लेके पानी में निकला है, लोग तमाशगीर वीडियो दिखाए नहीं, साफ वीडियो देखा गया है कि यहाँ तक आवा है। उसके बाद रिक्शा और सब लोग मतलब शो या कहीं, हाँ वो गुम हो गए वहाँ नीचे ढलान में, चला गया, कोई नहीं देखा। अच्छा, कोई प्रशासन का अभी तक कोई आया? हाँ, प्रशासन रात में DM साहब आए थे, दरोगा साहब अपना थाने के आए, आज दिन में 2 बार आए। तो कुछ मदद वगैरह का कुछ भरोसा नहीं? अब ऐसे ही अब सब है कि हर संभव मदद किया जाएगा, ऐसे ही सब बोला था। मतलब बोले हैं कि कुछ करेंगे? अब ये आप सामने है सब, जो इसके बाबा है आप बाकी आप अपने परिवार, बहनें थी छोटी छोटी, 4 साल की 1.5 साल, माँ बाप दोनों, ये होनी को हालांकि लोग मना कर रहे थे कि मत जाओ। नेपाल में आखिरी वाला घर कमरे में सब लोग रहते, 8-8, 9-9 लोग, 10-10 लोग परिवार, 1-1 बच्चे थे, 32 परिवार हैं हमारे सरकार। अभी आ रहे मम्मी, आ रहे हैं। आवाज है ऐसा है भैया, है भैया, और नहीं है, और रख लो ना।
अरे उत्कर्ष भाई आ जाइए, आ जाइए आप भी। सर आप यहाँ पे आए हुए हैं जहाँ पे हादसा हुआ था, जाहिर संतावना के लिए आए, सर कैसे क्या हुआ और ये कितना बड़ा फेलियर और प्रशासन की तरफ से आप क्या मदद इनको दे रहे हैं? देखिए अब इस मौके पे मैं क्या बोलूँ, बस ये है इनके परिवार की हमें मदद करनी है। जो घटना में एक महीने से जो जिलाधिकारी को बता रहा था, प्रशासन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मामला लगा हुआ, इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया जो आज बाढ़ वाला। तो आज ये चार बच्चों की से मैं ये कहूँगा यहाँ के SO इन लोगों ने सही से तरीके से करके, बाकी हर जगह मैं लोगों को देख रहा हूँ वो गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि ये रात से कल 12:30 बजे से जैसे इस परिवार के लिए लगे हैं, और बाकी SDM जिलाधिकारी आके मौके पे सब चीज़ देख के इनकी पूरी सहायता करी जाएगी, यही कहूँगा। और अभी भी मैं प्रशासनिक को आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा, अभी भी आँख खोल लें ये लोग, आगे ऐसी कोई गलती ना हो और बहुत तरीके से ये लोग लगें इस परिवार में, जैसे कि नरेंद्र जी और इनके दो बच्चे, चार लोगों की डेथ हो गई इनकी वजह से। आपका जो विधानसभा है, जाहिर है ये भी प्रभावित है और इटवा, ये दो ज़्यादा प्रभावित हैं, तो ऐसे में कि और तेज़ी से काम हो, किस तरह की आपने बात की है? कल संभावित दौरा भी है योगी जी का, आज माननीय मंत्री सत्यदेव जी का भी है, उस सुबह मुझे फ़ोन भी आया है उनका, तो वो आ रहे हैं, और बाकी कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है। सिर्फ कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, सरकार की तरफ से सारी योजना नीचे आ जाती है। अब धरातल पे उसका काम जिलाधिकारी का होता है, प्रशासनिक होता है। अब जिलाधिकारी कितना गंभीर, ये गंभीर लेते तो आज ये मामला ही नहीं होता, मैंने पहले ही बोला है जिलाधिकारी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिए अभी तक। कल से मैंने मांगा तो आज जाके मुझे दोपहर में 10-11 बजे मुझे मिला, और वो भी मोटर वाला नाव NDRF की, तो अब आई है 12:30-1 बजे के आसपास। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, ये जिलाधिकारी को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नुकसान मिलेगा इस चीज़ का।